जय श्री गणेश जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष और धात्विक में। आज हम आपको एक नया वीडियो दे रहे हैं, लेकिन ये वीडियो है रुद्राक्ष के ऊपर। रुद्राक्ष का मतलब, आज हम आपको बताएंगे कि यदि आप किसी के साथ प्रेम में हैं और आप चाहते हैं कि आपका साथी आपके साथ रहे और आपकी प्रेम विवाह हो जाए, आपका साथी आपको धोखा ना दे, या अगर आपके साथी ने आपको धोखा दे ही दिया है और आपका साथी रूठ के भाग गया है, उसको बुलाने के लिए, उसका प्यार पाने के लिए, उसका आकर्षण पाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, अगर आपका साथी चाहे मेल हो फीमेल हो आपको छोड़ के चला गया है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आप अपने दिल की बात उसको नहीं कह पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो भी आप इसको पहन सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी बात कि अगर आपका जो साथी है वो आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं करता है, तो उसके दिल में अपने लिए प्यार पैदा करने के लिए भी आप इसे पहन सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करता और आपके बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, तो भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा क्या चीज़ है जिसको आप प्रयोग कर सकते हैं, अब वो ही बताऊँगी आपको। तो यदि आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका आपसे रूठ के चली गई है, यदि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यदि आप किसी को अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रहे हैं, यदि आप अपने प्यार को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप अपनी आकर्षण और सम्मोहन शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको कुछ भी बता रही हूँ उपाय वो करना है। लेकिन उपाय को करने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। और अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे 8126476399 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, और कुछ सीखना हो तो भी आप व्हाट्सअप ही करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसको अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके सारे दुख तकलीफ दूर तो होंगे ही, साथ में आपको पैसा भी आएगा। क्या है वो चीज़? तो वो चीज़ है, बताती हूँ, भगवान शिव को आप सभी जानते हैं, भगवान शिव के आंसू से जो टपक के गिरा था उसको बोलते हैं रुद्र, यानी रुद्राक्ष। रुद्र कौन है? भगवान शिव, रुद्राक्ष, और उनके जो आंसू हैं रुद्राक्ष वो हैं एक पेड़ जो भगवान शिव के आंसुओं की वजह से बना था। कहते हैं बहुत साल पहले जब माता सती ने अपने शरीर को त्यागा था, भगवान शिव बहुत रोए थे, वो उनके शरीर को लेके माता सती के पूरे ब्रह्मांड में घूमे। 51 शक्तिपीठ जो हैं संसार भर में, यानी भारत में एक पाकिस्तान में भी है, वो सब तभी बना था जब भगवान शिव रोए थे खूब। जहाँ जहाँ उनका आंसू गिरा था वहाँ वहाँ पर रुद्राक्ष के पेड़ निकले। बहुत ही पवित्र होता है रुद्राक्ष का पेड़, और इसी रुद्राक्ष के पेड़ में एक मुखी से लेके 14 मुखी तक के दाने होते हैं। एक मुखी तो बहुत ही रेयर है, मिलता ही नहीं है, और जितने एक मुखी रुद्राक्ष आपको देखते हैं लोग बेच रहे हैं वो सब फ्रॉड होता है। अगर आप उसके चक्कर में पड़ेंगे तो आप, हमारे मैंने एक बार देखा हरिद्वार में कि 500 रुपये में एक मुखी रुद्राक्ष बेच रहा है और साथ में लिखा है कि गारंटी है, पकड़े गया तो 5000 का आपको इनाम भी दूंगा। तो जो चीज़ इतनी रेयर है कि मिलती ही नहीं है उसको वो 500 रुपये में दे रहा है, तो डुप्लीकेसी आजकल बहुत चीज़ की होने लगी है। तो रुद्राक्ष जो है बहुत ही कीमती होते हैं, और रुद्राक्षों में भी गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है, गणेश गौरी रुद्राक्ष होता है, और बहुत सारे रुद्राक्ष होते हैं जो उनको लोग यूज़ करते हैं अलग अलग पर्पस से। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा बहुत सारे रुद्राक्ष आते हैं मार्केट में और इनको अलग अलग चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है रुद्राक्षों को। ठीक है, और ये जैसे कि मैंने बताया कि गणेश रुद्राक्ष भी है, लक्ष्मी रुद्राक्ष भी है, गौरी शंकर रुद्राक्ष भी है, गणेश गौरी रुद्राक्ष भी है, ऐसे बहुत सारे रुद्राक्ष होते हैं और हर रुद्राक्ष का अपना कुछ अलग महत्व होता है। और इन्हीं रुद्राक्षों में एक रुद्राक्ष ऐसा है
जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, और ये रुद्राक्ष जो है उसको बोलते हैं छः मुखी रुद्राक्ष। तो अगर आपके प्यार में दिक्कत आ रही है, आपको प्यार में संबंध में परेशानी आ रही है, तो आप किसी भी सोमवार को एक छः मुखी रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर लीजिए। उससे पहले से सिद्ध करा लीजिएगा किसी अच्छे पंडित जी से। अगर पंडित से सिद्ध नहीं हो सकता है तो आप सिद्ध की हवा मंगा सकते हैं, और बहुत महंगा नहीं आता ये, समझे आप। अगर आप एक मन का पहन रहे हैं छः मुखी रुद्राक्ष का, तो ये नॉर्मल जो है आपको 125 के आसपास मिल जाना चाहिए। सिद्ध करा के किसी से लेंगे एक रुद्राक्ष तो आपको पड़ जाएगा जो भी उसका एक रेट पड़ेगा, वो सिद्ध करने वाले पे डिपेंड करता है कि उसने उसको कितने दिन तक में सिद्ध किया है, ठीक है। तो गौरीशंकर जो मैंने आपको बताया छः मुखी रुद्राक्ष, यदि आप किसी से प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, या आपका प्रेम किसी के लिए बहुत अच्छा हो जाए, सम्मोहन शक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े, आपका प्रेमी भी आपको प्यार करे, जो आपका जीवन साथी या प्रेमी आपसे भाग गया है, रूठ गया है, आपसे प्यार नहीं करता है, वो वापस आपसे प्यार करने लगे, तो आपको छः मुखी रुद्राक्ष पहनना है। छः मुखी रुद्राक्ष में बहुत शक्ति होती है, वो खींच के आपके प्यार को आपके पास लेके आता है। 3 साल पहले मैंने छः मुखी रुद्राक्ष बहुत सारे लोगों को दिए थे, जिन लोगों को भी प्यार में दिक्कत आ रही थी उन सबको मैंने छः मुखी रुद्राक्ष, जैसे लोग मुझसे स्टोन्स वगैरह मंगाते हैं तो उन सब में मैंने एक छः मुखी रुद्राक्ष देना शुरू कर दिया था सबको। बहुत लोगों को दिया मैंने छः मुखी रुद्राक्ष, और देने का कारण ही यही था, क्योंकि छः मुखी रुद्राक्ष क्या करता है, आपके जो प्रेम संबंध है उसको ठीक करने की कोशिश करता है। बट सही रुद्राक्ष होना चाहिए, डुप्लीकेट सी बहुत है रुद्राक्ष की। और दूसरी बात यह है कि सिद्ध होना चाहिए। अगर आपके पास दोनों चीज़ सही है, डुप्लीकेट सी नहीं है रुद्राक्ष की, अगर आप रुद्राक्ष सिद्ध है तो आपका रुद्राक्ष काम करेगा, 110% गारंटी से काम करेगा। तो आप रुद्राक्ष जो है वो पहनिए, छः मुखी रुद्राक्ष सिद्ध किया हुआ अगर आपको कहीं से मिल जाए। और ये इजली, जैसे मुझसे कोई मंगाता था तो 2-3 साल पहले जब मैंने दिए हैं, पिछले साल भी मैंने कई लोगों को दिए हैं, इस साल मैंने नहीं दिए क्योंकि मेरे पास आया नहीं थे। फिर अभी कुछ समय पहले मैंने कुछ दिवाली पे सिद्ध किए थे, तो ये बहुत ही मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं मैं उनको दे देती हूँ। तो ये रुद्राक्ष अगर आपको कहीं मिल जाए जो सिद्ध किए हुए हों, पूजे हुए हों और ओरिजिनल हों, ठीक है, तो दो ही चीज़ों का ध्यान देना है, ओरिजिनल होने का और सिद्ध होने का। अगर ये आपको मिल जाते हैं तो आप इसको लेके सोमवार के दिन आपको पहनना है, बिना आह्वान के कोई चीज़ नहीं पहनते, आपको पता है। तो आप चाहे किसी से भी मंगाइए, जैसे सपोज़ कीजिए आपने मुझे से मंगाया, तो जब आपके पास गौरीशंकर रुद्राक्ष आप मंगाएंगे, जब आप सॉरी छः मुखी रुद्राक्ष मंगाएंगे, चाहे आप मुझसे मंगाएं किसी से भी मंगाएं, एक्स वाई जेड, सपोज़ कहते हैं कि आपने किसी वेंडर से मंगाया और वो सिद्ध करके दे रहा है, अगर वो कहता है तो जब आप उसको पेमेंट करेंगे तो आप उसी समय संकल्प लीजिएगा कि हे भगवान शंकर, मैं छः मुखी रुद्राक्ष को अपने घर लाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि आप मेरे घर आएँ, और जिस पर्पज़ से भी मैं उनका प्रयोग करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मेरा वो कार्य संपन्न हो, और अपना नाम और गोत्र बल के बोल के मन ही मन में संकल्प लेके, और फिर आप पेमेंट कर दीजिए उसको, चाहे अकाउंट में करें चाहे जैसे भी आप करते हैं कर दीजिए। और जब वो आपके पास आएगा तो उसको लेने के बाद आपको उसको अपने घर में स्थापना करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, तो अब आप बोलेंगे कि फिर से आह्वान करेंगे कि मैंने आपको बुलाया है, आप मेरे घर में आए हैं, जो मेरी इच्छा है उसको पूरा कीजिए, इस तरह से आपको पूरा बोलना है। मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम अमुक है, या मेरे पति का नाम अमुक है, मेरा अमुक गोत्र है अगर गोत्र पता है, और हे छः मुखी रुद्राक्ष, मैंने आपको अपने घर में आमंत्रित किया है, आप मेरे घर में आ गए हैं, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ या आभारी हूँ, तो मैं आपसे ये चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरा जो भी प्यार है जिसका नाम फला 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 है, या मेरा वो पति है फला फला फला, या मेरी वो पत्नी है फला फला फला, उसके साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएं, इसके लिए मैं आपसे कृपा चाहती हूँ, अतः आप मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करने में मेरी मदद करें। उसके बाद फिर वो गौरीशंकर, वो फिर जो मैं छः मुखी रुद्राक्ष है ना, उसको सोमवार को ये जो होते ना शिवलिंग, उस पर रखे शिवालय में जहाँ पर नंदी भी हो, वहाँ पे रखे, थोड़ा सा जल, दूध, कच्चा दूध, थोड़े चावल अवल डाल के शिवलिंग पे
नमः का जाप कर देना और बस हो गई शुद्धि। सिद्ध करके दिया ही हुआ है, शुद्धि भी हो गई है क्योंकि उसके पास से चला था और काफ़ी रास्ता, मतलब जिससे भी आपने मंगाया वहाँ से चला और फिर बहुत रास्ता पार करके आपके पास आया है और कई हाथों से होता हुआ आया है। तो अशुद्ध हो जाती हैं चीज़ें, भले आपने पैकेट में बंद करके आया पर फिर भी अशुद्ध होती हैं, तो शिवलिंग पर रखते शुद्ध हो जाएगा जैसे बताया, फिर आप उसको पहन लीजिए। तो ये तरीका है पहनने का और सिद्ध किया हुई मंगाना। लेकिन दो चीज़ों का ध्यान रखना, एक तो ओरिजिनल होना चाहिए और एक सिद्ध होना चाहिए, तभी ये काम करेगा वरना काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको रुद्राक्ष से कैसे आप अपने रूठे हुए जीवन साथी को या प्रेमी को बुला लें उसके बारे में बताया है और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सीखना हो कोई भी कोर्स, हिप्नोथेरेपी हो, कुंडली जागरण हो, या कुछ भी आप सीखना चाहते हैं, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, साइकिक थेरेपी, तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप सीख सकते हैं। और अगर आपको कोई समस्या है तो 8126476399 पे व्हाट्सअप करना है